शनमोहनन, क्या बात है, क्या बात है, तालियां 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 तालियां। शनमुखानंद की क्षमता 30,000 है और 3,000। और मैं ममता जी, दीदी ये जो पाली हिल वाले सब जो सारे फिल्म स्टार रहते हैं वहाँ से कुछ 30 महिलाएं आई हैं और पाली हिल की सब स्टारों वाली हैं। तो ममता जी आपका भी ग्रुप का एक फोटो दीदी के साथ होगा, आप कुछ बोलना चाहती हैं ना, आइए। और दीदी इतनी संगीत की प्रेमी है क्या दीदी, क्या ये इतनी संगीत की प्रेमी है पाली हिल वाला जो ग्रुप है इनका, आइए जरा आइए, दो मिनट आइए सही मंच पर। अंदर की बात यह है भैया, मैं हेमलता दीदी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अपने कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी के गुर्दों में छेद कर दूं और 6 महीने की तनख्वाह निकाल लूं। और भाई मैं डॉक्टर कम तांत्रिक, आपने देखा होगा लाफ्टर की मेडिसिन देखते हुए, लेकिन मैं यहाँ पे आपके आशीर्वाद की मेडिसिन लेने आया हूँ। एक ऐसी लिविंग लेजेंड हमारे बीच बैठी, जरा जोरदार तालियां आपके सम्मान में। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज साक्षात्कार हो रहा है जिनके बारे में कम उम्र में इतनी सारी बातें, और क्योंकि म्यूजिक लाइन से रहे, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी चीजें आपकी सुन रखी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज इस काबिल बना हूं कि आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल आप ही के लिए लिख कर लेके गए हैं वो, ये हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जोरदार तालियां होना चाहिए यार। अरे दीदी का नाम हेमलता ऐसे ही नहीं है, वो दिखती हेमा की तरह है और गाती लता की तरह है। हमारे केशव राज जी को जोरदार तालियां, और साथ में हमारे चिंतन किशोर दा, और हमारे वानखेड़े साहब कहाँ हैं, हमारे गिरीश वानखेड़े साहब, गिरीश वानखेड़े साहब हसीनों से घिरे हुए हैं, लेकिन गिरीश वानखेड़े साहब को मैं कहता हूँ कि ये अलग टाइप के वानखेड़े हैं, ये सचिन वानखेड़े टाइप के नहीं है। सर्वप्रथम तो सभी हमारे जितने भी श्रोता और स्टिल्स और वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हैं, हम तीनों को और हम सब का बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम, वंदन, नमस्कार। और आज का प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम जो कि अभी चल रहा है, जिसमें हम हेमलता दीदी के गाए हुए गीतों को हम सब मिलकर ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और जैसा कि अभी गिरीश भैया ने बताया कि मैंने बचपन से किशोर दा को पूजा है, गाया है, और उनको भले मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया, लेकिन मैंने अभी हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑडिटोरियम के अंदर कुछ गीत गाया, जिससे कि सबका बहुत प्रतिसाद और प्यार मिला, हमारे गिरीश भैया का, केशव भैया का, सबका आशीर्वाद। और दीदी ने, हेमलता दीदी ने मुझे स्टेज के पास आकर मुझे इधर उन्होंने आशीर्वाद दिया और प्यार दिया, बहुत बहुत आत्मीयता दी कि तुम बहुत नाम करोगे, तो अभी मैं उस प्रयास में हूँ। और जहाँ तक कि अभी आपसे आप द्वारा पूछा गया है, अभी मैं हाल ही में मेरी शूटिंग हुई है पटनी टॉप और श्रीनगर के अंदर, जो मेरा सिंगल प्राइवेट सॉन्ग है, जो कि डुएट सॉन्ग है, और बहुत जल्दी आप सबके बीच में पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रहा है। उसके शुरुआत के बोले आँखों की गुजारिश, तो ये बड़ा सुंदर रोमांटिक सॉन्ग है, और जन्नत सा लगे लम्हा इसके अंदर क्रॉस लाइन में गाना में लाइन आती है, तो इसलिए उस जन्नत को बताने के लिए पूरी प्रोडक्शन टीम हम लोगों को कश्मीर ले गई, तो वाकई कश्मीर स्वर्ग है। तो मैं मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं को, किशोर दा को और हेमलता दीदी को, सभी को, रविंद्र जैन साहब को, सभी को मैं प्रणाम चरण वंदन करता हूँ। केशव भैया का धन्यवाद, गिरीश भैया का बहुत बहुत प्यार सत्कार, थैंक यू सो मच, आप सब ने समय दिया, पूरे मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।